हॉरिस रऊफ मुश्किल दौरे ऑस्ट्रेलिया से पीछे हट गए या मामला कोई और है? चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का बयान। हारिस रऊफ से जब दो दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में हारिस रऊफ की जानिब से तर्दीद भी आ गई। साबिक क्रिकेटर्स हारिस रऊफ के मामले पर क्या राय रखते हैं, तमाम मालूमात जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट का पहला इम्तिहान आगाज से पहले ही तनाजा बनने लगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के बारे में राय और फिर फास्ट बॉलर की जानिब से तर्दीद ने मामले को मजीद संगीन बना दिया। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई। सिलेक्शन कमेटी, कोच, कप्तान सबको तब्दील कर दिया गया। नए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरे ऑस्ट्रेलिया पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड मुंतखब किया। वहाब रियाज ने हारिस रऊफ से मुतालिक दावा किया कि फास्ट बॉलर ने फिटनेस को जवाब बनाकर दौरे ऑस्ट्रेलिया पर जाने से मुआजरत कर ली। फिटनेस को लेके हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं फिजियो, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए खेलते हुए। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेली है तो फटीक है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे, लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, तो इसलिए हारिस रऊफ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। चीफ सेलेक्टर ने हारिस रऊफ के टेस्ट खेलने से इनकार को पाकिस्तान का नुकसान करार दिया। हमें हारिस रऊफ को जब टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज करना है, क्योंकि ही इज एन इम्पैक्ट बॉलर, तो वो सिर्फ 10 से 12 ओवर से ज़्यादा हम लोग उससे डिमांड नहीं कर रहे थे एक दिन में बॉलिंग के, विच इज़ उसने अभी वनडे क्रिकेट में भी बॉलिंग की है। द ओनली इशू इज़ के वन यू से दैट यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के बयान के बाद हारिस रऊफ तनकीद की जद में आ गए, लेकिन फिर 24 घंटों में ही मामले पर यू टर्न आया और हारिस रऊफ की जानिब से वहाब रियाज के दावे की तरदीद आ गई। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिक इन्फो की रिपोर्ट में हारिस रऊफ के करीबी जराए की जानिब से कहा गया कि हारिस रऊफ ने दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई हामी भरी ही नहीं थी। चीफ सेलेक्टर का हारिस रऊफ से मुतालिक दौरे ऑस्ट्रेलिया से पीछे हटने का दावा बेबुनियाद है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और हारिस रऊफ को PSL फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर में लाने वाले आकिब जावेद भी फास्ट बॉलर की दिफा में सामने आ गए। कोई लॉजिक नहीं है कि आप हारिस रऊफ को कह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं और टेस्ट मैचेस खेलें। फिर आप जो सारे बच्चे जो फर्स्ट क्लास में सारा साल 6-6 महीने सीजन खेलते हैं, उनको क्या जवाब देंगे और किस बेसिस के ऊपर? मैं तो समझता हूँ कि वो उसकी ट्रेनिंग नहीं आपने की, आप उस किस परफॉर्मेंस पे आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें। और अगर वो कहीं मान जाता सिलेक्ट होता तो आप लोगों ने सालों ने इनकी धज्जियां उड़ा देनी थी कि मैरिट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। एक तरफ आप कहते हैं कि डोमेस्टिक को हम इज्जत देंगे, दूसरी तरफ आपने उस बॉलर को सिलेक्ट कर लिया जिसने साल 1.5 साल से एक फोर्डे नहीं खेला, तो किसी तरह लॉजिकली बैठ जाए। दूसरी जानिब साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने हारिस रऊफ के टेस्ट क्रिकेट ना खेलने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि फास्ट बॉलर ने एक अच्छा मौका गवा दिया। जरूरी नहीं था कि हारिस रऊफ दौरे ऑस्ट्रेलिया पर तीनों टेस्ट मैचेस खेलते। शाहिद आफरीदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी होती है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान ने T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड जाना है और हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया में खेलने से अच्छी प्रैक्टिस मिलती। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ के ख्याल में भी हारिस रऊफ को टेस्ट टीम में होना चाहिए था। सिकंदर बख्त ने हारिस रऊफ के टेस्ट क्रिकेट ना खेलने। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलने को मुफादात का टकराव करार दिया और PCB की जानिब से हारिस रऊफ को NOC देने पर भी सवालात उठा दिए। हारिस रऊफ का ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स टीम के साथ मुहायदा है और ये लीग भी उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही होगी जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज भी होगी।
हारिस रऊफ इंटरनेशनल करियर में अब तक सिर्फ एक टेस्ट मैच ही खेले हैं जिसमें वो एक विकेट ले सके थे। फास्ट बॉलर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी ज्यादा तजर्बा नहीं है। हारिस रऊफ ने 9 फर्स्ट क्लास मैचेस में 32 विकेटें हासिल की हैं। हारिस रऊफ भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में भी मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ फॉर्म थे और वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर साबित हुए थे। हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 533 रन दिए थे। आज से 4 साल कबल भी पाकिस्तान को कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना था। 2009 में दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल मोहम्मद आमिर ने फिटनेस को बुनियाद बनाकर रिटायरमेंट ले ली थी, जबकि मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने भी क्रिकेट से वक्फा ले लिया था और पाकिस्तान को नौजवान और ना तजुर्बेकार पेस बॉलिंग अटैक के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा था।